ताला मदद फरमा। सारे याद रख सो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भेजल ताब बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो बीमार लाचार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो माशाल्लाह आज पाँचवा रोज़ा है और सुबह के 8 बज रहे हैं, और आज जो है ना काफ़ी सारे काम करने हैं। अब जो है ना हमने तैयारी कर ली है, वहीं पे जा रहे हैं। जो काम बचे हुए हैं आज के काम वो सारे करते हैं इंशाअल्लाह ताला, और आगे की सारी वीडियो आप सबसे शेयर करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखना है, सबकी बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है, जाना बिल्कुल नहीं है जी। तो माशाल्लाह आटा जो है ना और भी आ चुका है, ये दूसरी मेल से जो है ना मंगवाया है। पहले जहाँ से मंगवाया था उन्होंने जो है ना फिर मना कर दिया था, और दूसरी मेल से जो है ना ये ले आया है। ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना अंदर इसकी सेटिंग करते हैं, रखते हैं इनको, फिर इंशाअल्लाह ताला जो गरीब मुस्तहकीन हैं उनको देते आएंगे जी। तो प्यारे बहन भी फाइनली हम तैयार हो चुके हैं। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो हम जो है तैयारी हमने कर ली है, अब जो ना हम जा रहे हैं अपने काम की तरफ। हाँ जी, जो काम आज के करने हैं ना वो करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज कोशिश करेंगे जितने भी काम बचे हुए हैं ना वो कम्प्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब जो है ना हम निकलने लगे हैं घर से, और आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना बिल्कुल नहीं है। चलो जी, आज मौसम भी माशाल्लाह साफ है, बिल्कुल बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, बादल शादल आज बिल्कुल नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुबहानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बैठ गई हो, चलें। माशाल्लाह मौसम तो बिल्कुल साफ हो चुका है, और गंदम वगैरह जो है ना ये देखिए पक रही है। बस कुछ दिन बाद जो है ना कटाइयां शुरू हो जाएंगी। ये है जी हमारा शहर कोटा दू। तो शहर में हम इंटर हो रहे हैं, शहर के जो काम है वो कर लें, फिर जो है ना आगे चलेंगे इंशाअल्लाह जी। तो यहाँ से हमने तख्तियाँ उठानी थी, दो तख्तियाँ बनी हुई हैं, दो जो है ना अभी नहीं बनी, तो दो इंशाअल्लाह ताला कल तक तैयार हो जाएंगे, फिर हम ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम शहर से निकल चुके हैं। तकरीबन 1.5 घंटा लगा हमें शहर से निकलते निकलते, बहुत ज़्यादा रश था। तो टाइम जो है ना इस वक्त हो रहा है दिन के 12 यानी के बज रहे हैं। अब जो है ना हमने आगे जाना है, वाटर पंप की तख्तियाँ लगानी हैं, सहन बन रहे हैं, और फिर जो है ना देखते हैं पता नहीं कितने बजे हम घर वापस पहुँचते हैं। आज तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, आज मौसम भी चेंज है, थोड़ी गर्मी भी महसूस हो रही है। आज गर्मी है क्योंकि बादल तो सारे जो है ना चले गए हैं, बारिश का मौसम पहले था, बारिश थी तो मौसम जो है ना ठंडा लगता था, आज जो है ना गर्मी महसूस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बहन भी हो, पहले वाटर पंप पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो है ना तख्ती लगानी है, और इस अम्मा जी का ये वाटर पंप था। अल्लाह ताला हमारे उन बहन भाइयों को अजर अजीम अता फरमाए जिन्होंने ये वाटर पंप भिजवाया है।
हां तो ये उमा जी उन्हें दरा दीजिए अल्लाह ताला ना गुजरे दे दे ना रोज ये बरकत पावे अल्लाह ताला तो आपको गुजरे दे आमीन सुम आमीन मेरा मकान का नहीं अल्लाह ताला सवाब बने से इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है तो ये देखें जी सहन इसका बन चुका है माशाल्लाह से और यहाँ पे जो है ना तख्ती लगानी है दीवार के ऊपर क्योंकि हम जो है ना नीचे तख्ती नहीं लगाते नामों की बेअदबी ना हो और छींटे वगैरह जाते हैं बंदा पाउंड होता है तो इसलिए जो है ना हम कोशिश करते हैं साथ में जो दीवार होती है तो दीवार के ऊपर ही लगाते हैं तो माशाल्लाह सहन भी बहुत प्यारा बना हुआ है आमीन सुम्मा आमीन चलें जी आप जो है ना मैं तख्ती लगाता हूँ फिर जो है ना आप सबको दिखाते हैं तख्ती लगा के कमरे के वीडियो हाँ वो भी बनानी है हाँ जी वो भी दिखाते हैं आप सब लगा लें फिर जो है ना मजी आपके कमरे का विजिट भी करते हैं अभी जो है ना इसको ज़्यादा नहीं चलाते क्योंकि सहन न्यू बना हुआ है तो ये जो है ना फिर हिल ना जाए तो माशाल्लाह नलका चालू है और तख्ती भी लग चुकी है हैंड पंप्स हलीमा बीबी मुनीर मेडन हेड इंग्लैंड जो के अल्लाह ताला हलीमा बीबी को और मुनीर भाई को अजर अजीमत आफर में तरफ से ये हैंड पंप आया था अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्प्लीट हो चुका है ये देखें जी माशाल्लाह तख्ती फिट हो चुकी है तो अम्मा जी दुआ करनी है हलीमा बीबी के लिए और मुनीर भाई के लिए अल्लाह ताला उन्हें बहुत देवे दरह देव ने अल्लाह ताला हर मुसीबत रुख बुल बजाम ने आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन तो माशाल्लाह ये कंप्लीट हो चुका है ये देख सकते हैं आप नलका वाटर पंप भी चालू हो चुका है और अम्मा जी कह रही है कि मेरे कमरे की वीडियो बनाएं चलें जी देखते हैं ये देखें जी ये है अम्मा जी का कमरा छोटा सा ये अम्मा जी का जो है ना किचन है इधर जो है सालन बनाती है हाँ तो जी चूल्हा रखा हुआ है ये किचन है इनका हाँ जी ये देखें जी ये तो बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत है कमरे की ये आप देख सकते हैं रहने की जगह भी नहीं होती अम्मा जी तो अरे खामान को बहुत है जो कर सकती है उन्हें तो 24 साल हो गए 24 साल हो गए अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा कमरा है और छत की हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है और ये देखें जी ऊपर भी सुराख हो चुके हैं जब बारिशें होती हैं तो सारा पानी जो है ना अंदर आता है ये साइडों पे भी सारे सुराख हैं ये देखें जी ये बारिशें हुई ना सारा पानी अंदर था ये आप देख सकते हैं ये हालत है अंदर की अल्लाह ताला मदद फरमाए तो प्यारे बहन भैया जो भी मुखय्यर हज़रात हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे गुजारिश है अगर हो सके तो इस अम्मा जी का पक्का कमरा बन जाए तो बहुत बड़ी बात है अम्मा जी बेवा भी है और मजबूर भी है ये थोड़ा सा सामान इधर रखा हुआ है अम्मा जी का और इधर जो है ना चार पे पे सोती है हां जी और ये देखें ये पीछे भी दीवार जो है ना ये दराड़ आ चुकी है ये आप देख सकते हैं
अल्लाह ताला मदद फरमाए। अमन जी दुआ करे दे सारी असन तेरे कमरे दे वीडियो बड़े ही देने हैं इंशाल्लाह। दुआ करे जो ही कोई चीज आसी इंशाल्लाह तक हर नमाज दे टाइम दुआ करे सु इंशाल्लाह अल्लाह दे अल्लाह ताला मदद करे सी इंशाल्लाह ताला। आपने भी दुआओं में याद रखना है और जिन्होंने आपके लिए वाटर पंप भिजवाया है हलीमा बीबी और मुनीर भाई, हर वक्त दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। चलें जी आप। हां जी चलिए। जी तो प्यारे बहन भैया अल्हम्दुलिल्लाह 42 घरों को पहले हमने राशन दे दिया है और साथ में बहनें जो है ना अभी हमारे पास पहुंची हैं तो इन सबको भी राशन दे दिया है, आटे की थैली भी। अल्लाह ताला हमारे उन बहन भैयों को अजर अजीम अता फरमाए जिन्होंने ये राशन का इंतज़ाम किया है। तो अम्मा जी दुआ करे सो उन्हें सारे दे हक के जैम ये राशन का इंतज़ाम किए तुहाडे वास्ते। अल्लाह ताला उनका देना कबूल फरमाए। और आटा जो है ना हमने ज़िम्मे लगाया था फ्लोर मिल पे, लेकिन आटा जो है ना हमें मिल नहीं रहा, तो किसी और जगह से जो घराने रहते हैं ना तो उनके लिए हमने लेना है इंशाअल्लाह ताला, फिर जो है ना इंतज़ाम करते हैं। कल भाई ने कहा है कि कल जो है ना मैं जाऊंगा और मिलकर वहाँ पता करूंगा, अल्लाह करे कि वहाँ से मिल जाए। अल्लाह पाक खैर करेगा। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 49 घरों तक पहुंच चुका है राशन अल्लाह पाक के करम से। अल्लाह ताला उनका देना कबूल फरमाए। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे सौदे हैं, जितनी भी यानी कि ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो सब इसमें शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो राशन पैकेज हमने बनाया है। ठीक है मेरा भेणी, अम्मा जी दुआ करे सो सारे दे हक़ च। जी तो ये अम्मा जी रह गई थी, ये अभी पहुंची हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह राशन दे दिया। अम्मा जी दुआ करे सो उन्हें दे हक़ च जाएँ तुम्हारे वास्ते राशन का इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 50 घर हो गए हैं, बाकी जो रहते हैं इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरतमंद घराने हैं तो उन तक इंशाअल्लाह ताला राशन पहुँचेगा, अल्लाह ताला उनका देना कबूल फरमाए। दुआ करनी है ख़ासकर इफ्तारी के टाइम जो है ना उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है जिन्होंने आपके लिए राशन का इंतज़ाम किया है। जी तो प्यारे बहन भैया अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप सब जानते हैं डेली का जो है ना राशन पैकेज हम देते हैं। अल्लाह ताला हमारे उन बहन भाइयों को अजर अजीम अता फरमाए जिन्होंने ये राशन का इंतज़ाम किया है गरीब मुस्तहकीन घरों के लिए, अल्लाह ताला उन सब को अजर अजीम अता फरमाए। तो इसमें जो है ना पहले भी आपको बताया माशाल्लाह घर के जो सौदे वगैरह ज़रूरत के होते हैं तो सारे हमने इसमें शामिल किए हैं, आटा भी साथ में है, क्योंकि अब इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत है वो आटे की है क्योंकि आटे का बहरान है हमारे मुल्क में। तो रमज़ान शरीफ का महीना है, बरकतों वाला महीना है, तो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर देगा जिन्होंने इन गरीब मुस्तहकिनों के लिए राशन का इंतज़ाम किया है। तो इसमें जो है ना कुछ बेवा भी हैं। अच्छा अम्मा जी दुआ करे सो उन्हें वास्ते जाए तुम्हारे वास्ते राशन का इंतज़ाम किए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जो बच्चे हुए हमारे पास राशन पैकेज, तो इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरतमंद घराने हैं तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उन तक ये पहुँचे राशन, क्योंकि अब इस वक्त जो है ना हर बंदा बेचारा परेशान है, मुल्क के हालात जो है ना काफ़ी बिगड़ चुके हैं, महंगाई इतनी है कि मज़दूर बंदा बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो अल्लाह ताला सब की मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनको दीर्घा सलामत रखे जो गरीबों के लिए सोचते हैं हमारे बहन भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैर मुल्क में बैठकर फिर भी अपने मुल्क के लोगों के लिए आवाम के लिए सोचते हैं, अल्लाह ताला उन सब को अजर दे। ठीक है मेरा भेणी, अम्मा जी दुआएं याद रख सो।